सो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यशराज सॉल्यूशंस में। मैं हूँ आपका दोस्त टेक्निकल मुकेश। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए एक और ग्रेट और शानदार वीडियो लेके आ। तो जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही अल्टीमेट और खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ क्रोम डेस्कटॉप के कुछ ऐसे खास फीचर्स की, जिससे आपका जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस है और भी बेटर होगा, साथ ही साथ आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी एनहेंस होगी। तो यहाँ पे आपको क्रोम का जो लेटेस्ट वर्जन है अपने डेस्कटॉप पे अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आप देख लीजिए, यह हमारी जो टैब बार है इसका कलर हम कैसे चेंज करेंगे, यानी कि इसकी थीम कैसे चेंज करेंगे, साथ ही साथ जो वाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो बुकमार्क टैब्स आपको दिखाई दे रही है, बुकमार्क बार जो दिखाई दे रही है, इसको इस सर्च बार के नीचे हम कैसे ऐड करें, यानी कि जो फेव आइकन है उनको कैसे ऐड करें। तो इसके लिए आपको राइट हैंड के बॉटम कॉर्नर पर कस्टमाइज पेंसिल पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ बैकग्राउंड, शॉर्टकट्स या कलर एंड थीम, तीन ऑप्शन होंगे। तो सबसे पहले हम कलर एंड थीम को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे एक जो सर्कल है, जिसमें जो सेमी सर्कल एक डार्क है और एक लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग जो थीम दे रखी है आपको, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वार्म ग्रे कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, या फिर कूल ग्रे ले सकते हैं या ब्लैक ले सकते हैं। तो जैसे मैं कूल ग्रे को लेता हूँ, तो देख लीजिए हमारी जो टैब ग्रुप है उसका कलर थोड़ा डार्क है और जो हमारा जो बैकग्राउंड है या वाइट एरिया है इसका थोड़ा लाइट है, यानी कि जो लाइट वाला पार्ट आपका बैकग्राउंड रहेगा यहाँ पर, ठीक है। मैं येलो और वाइट कलर को चूज करता हूँ यहाँ से, तो देख लीजिए जो हमारा टैब ग्रुप का जो कलर है येलो हो चुका और यहाँ जो वाइट एरिया है ये जो हाफ पार्ट जो वाइट था वही कलर है। तो इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं अपनी कलर और थीम, ठीक है। कलर और थीम के बाद हम चलते हैं बैकग्राउंड की ओर। तो सिंपली आपको बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपनी डिवाइस से किसी भी इमेज को अपलोड करके क्रोम के बैकग्राउंड के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली उस इमेज को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से ओपन कर लें। तो आप भी अपनी इमेज या पिक को यहाँ क्रोम के बैकग्राउंड के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड ना हो, नो बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप बैकग्राउंड को रिमूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ अट्रैक्टिव बैकग्राउंड जो दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो लैंडस्केप है इसमें अट्रैक्टिव इमेजेस दे रखी है, बैकग्राउंड दे रखे हैं, उन्हें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस बटन को ऑन करके जितनी भी इमेजेस हैं इसमें लैंडस्केप में वो रोज रिफ्रेश होगी, नई नई इमेज आएगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो लैंडस्केप के बाद यहाँ पे टेक्सचर्स दे रखे हैं, तो यहाँ से टेक्सचर्स को आप बैकग्राउंड के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद टेक्सचर के बाद आप यहाँ से जैसे लाइफ है, अर्थ है, तो अर्थ से रिलेटेड जो इमेजेस है उसे भी आप बैकग्राउंड के रूप में सेट कर सकते हैं। और भी बहुत सी इमेजेस है जैसे आर्ट, आर्ट में बहुत ही एलिगेंट और अट्रैक्टिव बैकग्राउंड दे रखे हैं जिन्हें आप क्रोम के बैकग्राउंड के रूप में सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख लीजिए सीस्केप है, ठीक है, या सॉलिड कलर है, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं लैंडस्केप से एक बैकग्राउंड को चूज करता हूँ और इसके बाद इसे डन करता हूँ। तो देख लीजिए ये बैकग्राउंड के रूप में सेट हो चुका, ठीक है। अब हम चलते हैं ये जो हमारे बुकमार्क दिखाई दे रहे हैं इसको इस सर्च बार के नीचे लेके आना है, यानी कि फेव आइकन हमें ऐड करना है। तो सिंपली हमारा जो थर्ड ऑप्शन है शॉर्टकट्स, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट्स को हमने यहाँ क्लिक किया, आप देख लीजिए हाइड शॉर्टकट्स, इसको मैंने ऑन कर रखा है, फिलहाल मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ, ठीक। अब यहाँ से जो मोस्ट विजिटेड जो साइट है वो आपको यहाँ शो होने लगेगी, ठीक, और आप के जो शॉर्टकट है यानी कि माई शॉर्टकट, उसमें आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पेंसिल आइकन पे क्लिक करें, शॉर्टकट्स पे जाएंगे और माई शॉर्टकट्स वाले ऑप्शन को हम चूज करेंगे, फिलहाल मोस्ट विजिटेड है, अब इसे डन करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए जो आपके शॉर्टकट्स है वहाँ यहाँ शो होने लगेंगे। आप सिंपली ऐड भी कर सकते हैं, ऐड शॉर्टकट
पे जाके तो किसी एक में वेबसाइट को विजिट करता हूँ, मान लीजिए जैसे फाइल होर्स, इसी को यहाँ फेव आइकन के रूप में मुझे ऐड करना है। तो सिंपली उस साइट को ओपन कर लूँगा और उसकी जो URL है यानी कि उसकी लिंक है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अब इसके बाद ऐड शॉर्टकट वाले ऑप्शन में उस साइट का आपको यहाँ नाम लिखना है ऊपर वाले ऑप्शन में, तो फाइल होर्स साइट है ये, और इसकी जो URL या लिंक है मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद इसे डन कर देता हूँ। तो देख लीजिए इसे बड़ी आसानी से मैं यहीं से एक्सेस कर सकता हूँ, यानी कि ये प्रोडक्टिविटी एनहेंस करेगी आपको ये ट्रिक। तो सिंपली ये यहाँ से इस फेव आइकन को क्लिक करके उस साइट को बड़ी ही आसानी से यहीं से एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये फीचर भी आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो दोस्तों अगला जो फीचर है टैब ग्रुप, जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ जो आपका जो समय है वो भी बचेगा। तो यहाँ देख लीजिए मैंने क्रोम ब्राउज़र में अलग अलग जो टैब्स है ओपन कर रखी है, जैसे टेक्स्ट साइट्स की मैंने 3 टैब्स ओपन कर रखी है और यहाँ जो न्यूज साइट की 3 टैब्स ओपन कर रखी। सिंपली आपको इन टैब्स को ग्रुप्स में ऐड करने के लिए किसी पर्टिकुलर टैब पर राइट क्लिक करना है और फिर आपको चले जाना है ऐड टू न्यू ग्रुप। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक कलर्ड बार आएगी, यानी कि आपका यहाँ पहला ग्रुप बना है, ये जो टैब है फर्स्ट ग्रुप में ऐड हो चुकी है। इसके बाद जो सेकंड टैब है हमारी टेक्स्ट साइट की, इसको ऐड टू एग्जिस्टिंग ग्रुप में, यानी कि जो पहली टैब है हमारी फाइल होर्स, उसी में मैं ऐड करता हूँ। तो देख लीजिए पर्पल लाइन जो आगे बढ़ चुकी है सेकंड टैब की ओर आ चुकी है। अब थर्ड जो टैब है उसको भी मैं एग्जिस्टिंग ग्रुप में ऐड करता हूँ। तो यहाँ देख लीजिए जो पर्पल लाइन है इन तीनों टैब्स के नीचे है, यहाँ कलर्ड बार पे आप क्लिक करेंगे तो इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इसका जो कलर है वो आप चेंज भी कर सकते हैं, जिससे आप बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, इसे आप नेम भी दे सकते हैं इस ग्रुप को। ठीक है, जैसे मैंने ये तीनों टैब टेक्स्ट साइट की है तो मैंने इसे टेक्स्ट साइट नाम दे दिया। इसी प्रकार से जो 3 टैब्स अदर्स मैंने जो ओपन की है जो है रिलेटेड न्यूज़ से, तो इसको ग्रुप में ऐड करने के लिए सेकंड ग्रुप बना रहे हैं ऐड टू न्यू ग्रुप। यहाँ आपको ऐड करना है तो इसका कलर अलग आया इस ग्रुप का। अब इसी जो सेकंड टैब है न्यूज़ साइट की, इसको भी हम ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम BBC पे क्लिक करेंगे और थर्ड टैब है उसको भी एग्जिस्टिंग ग्रुप यानी कि BBC जो हमारी सेकंड ग्रुप की पहली टैब है। अब इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी टैब कौन से ग्रुप में है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यदि आप मल्टी टैब्स पे वर्क करते हैं तो आपके लिए ये फीचर बहुत ही बढ़िया है। और साथ ही साथ आप इसका जो नेम है वो भी चेंज कर सकते हैं ग्रुप्स का। तो इसके लिए आपको क्रोम का लेटेस्ट वर्जन अपडेट करना है। तो जब भी आप क्रोम को क्लोज करेंगे तो सभी के सभी जो ग्रुप से है यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। तो इसके लिए आप कुछ सेटिंग्स करनी होगी, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो यहाँ पे हमारे जो ग्रुप्स क्रिएट हो चुके हैं 2 ग्रुप, आप भी बड़ी आसानी से इस प्रकार ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है कि ये ग्रुप क्लोज ना हो, इसके लिए यहाँ 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको सिंपली नीचे चले आना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेटिंग्स का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऑन स्टार्टअप पे आपको क्लिक करना है। सिंपली ऑन स्टार्टअप का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू वेयर यू लैपटॉप जो बीच वाला ऑप्शन है इसे आप सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप अपने क्रोम को जब भी क्लोज करेंगे तो आपके जितने भी ग्रुप है वो यहाँ पर डिसअपीयर या क्लोज्ड नहीं होंगे क्रोम को क्लोज्ड करने के बाद भी। तो इस प्रकार से देख लीजिए मैंने क्रोम ब्राउज़र को फिर से रीओपन किया तो यहाँ पे जितने भी ग्रुप थे वो यहाँ पे क्लोज नहीं हुए। आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना ज़रूरी है यदि आप ग्रुप फीचर को यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ग्रुप फीचर का यूज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल यशराज सॉल्यूशंस।